गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईस्टर्न टुडे न्यूज़ पर। तो हमें अभी मार्केटा एपीएसटी बस स्टेशन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ का जो कंडीशन है, यहाँ का बस स्टेशन का कंडीशन क्या है और सैनिटेशन सिक्योरिटी को लेके हम लोग यहाँ पे बात करेगा और यहाँ पे पूछताछ करेगा कि यहाँ का कंडीशन क्या है और यहाँ के लोगों से जानेंगे और यहाँ के पब्लिक से जानेंगे कि वो लोग किस तरह का प्रॉब्लम यहाँ से जूझ रहे हैं और पब्लिक का ग्रीवेंसेस क्या क्या है हम लोग यहाँ से जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे ईस्टर्न टुडे न्यूज़ नौचालंज के साथ। तो दर्शकों, मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ के जो बाथरूम का कंडीशन है, यहाँ के जो बाथरूम का कंडीशन है बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है। आप लोग देख सकते हैं ये जो लेडीज़ टॉयलेट है और यहाँ का जो गन बदबू जो है बहुत ही ख़राब से, ये एक ख़राब से जो बदबू है यहाँ से पैदा हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ के जो जेंट्स का जो है बाथरूम वो भी कंडीशन का लाइक नहीं है, एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, आप लोग ये माना जा सकता है। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो कचरा जो है एक प्रॉपर वे से यहाँ में डिस्पोज नहीं किया जाता है और यहाँ के जो बाउंड्री के साथ ये कचरा भी बहुत ही गंदगी यहाँ पे फैलाया गया है। और यहाँ पे जो साइड में आप देख सकते हैं यहीं पे ही जाके आदमी लोग यहाँ पे यूरिन करते हैं, यहाँ के जो मर्द लोग है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ के जो गैरेज जो है इसका भी पूरा वर्स्ट कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ के जो टीन है, जो शीट लगाया गया है ऊपर में, वो भी पूरा डैमेज हो चुका है और ये इसका जो ये पिलर लोक है ये रोड से लगाया गया था, पूरा ये सड़ चुका है। ये जो अगर ये गिर गया तो बहुत ही यहाँ में भारी नुकसान सहना पड़ेगा यहाँ के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है और जो ये यहाँ पे पब्लिक का भी बहुत ही रिस्क चांस है और यहाँ पे जो काम करते हैं वो लोग का भी बहुत ही रिस्क हो सकता है। यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बैन हो चुका है और जो तीना लोग है वो लोग रोड लोग पूरा सड़ चुका है, रस्ट लग गया यहाँ पे। तो यही अपील करना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से और यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट से कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, कुछ मेंटेनेंस किया जाए ये जगह को, क्योंकि ये एक रेस्ट जगह, एक वेटिंग और ये एपीएसटी स्टेशन है, बस स्टेशन। तो बहुत दूर दूर से आदमी लोग आते हैं यहाँ पे और रेस्ट करते हैं, तो ये सब कंडीशन को देख के बहुत ही वर्स फीलिंग आता है। तो ये आंटी से जानेंगे कि यहाँ में क्या क्या प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करना पड़ता है। ज़्यादातर हम लोग चांगलांग से एकदम कोई तो रास्ता भी ऐसा है कि हम लोग पूरा घूर फूर के आता है, तो आने के साथ साथ जब स्टेशन में उतरता है तो कोई तो चक्कर होके भी आता है, तो कोई तो बाथरूम में जाने के लिए स्पेशली ज़्यादा तो बाथरूम में ही हम लोग जाने के लिए बस से उतरने के साथ साथ बाथरूम में हम लोग जाते हैं। तो बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम में घुसने से पहले उसका इतना स्मेल आता है कि उसमें वो घुसने ही नहीं सकता है, और उसमें जो वोमिटिंग होके आता है तो उसमें या तो अच्छा से होके आने से भी पहले से उसमें घुसने से पहले ही हम लोग को वोमिटिंग आ जाता है। और प्लस हम लोग यहाँ में जो यूरिन करने हो जो भी हो हम लोग पैसा दे के जाता है उन लोग का, वो लेता है उसी से मेंटेनेंस उन लोग अच्छे से करने से ठीक था, लेकिन वो भी इतना गंदा है कि पैसा जितना भी लेने से भी वो क्या बोलते हैं घुसने के ही मन नहीं है, ऐसा ऐसा है वो हाइजीन। प्लस यहाँ में देखने को मिलता है जो इमरजेंसी होता है तो हम लोग कभी जल्दी में जाने के लिए वो सोचते हैं, उनसे भी बस भी प्रॉब्लम होता है यहाँ में भी, बस का मेंटेनेंस स्पेशली हम लोग का चांगलांग और चांगलांग का सिर्फ नहीं है, हर जगह में अरुणाचल का स्टेशन है साफ सुथरा होने से अच्छा है और स्टेशन भी और कंपाउंड भी अच्छा होने से मेरे ख्याल से अच्छा है। मैं सोचती हूँ क्योंकि कोई तो चक्कर होके आता है, कोई बीमारी होके आता है तो उसमें थोड़ा स्टेशन में रिलैक्स करने के लिए भी और सफ़ा थोड़ा अच्छा होने से सुंदर साफ होने से अच्छा है और हाइजेनिक नहीं होने से अच्छा है मेरे ख्याल से। आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ के जो मार्केटा के एपीएसटी बस स्टैंड का जो बाउंड्री है वो फिलहाल अभी तक नहीं बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही पुराना स्टेशन या ये जो है मार्केटा में, लेकिन यहाँ में प्रॉपर बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे बगल में आपको घर दिखाई दे रहा है, क्वार्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉपर बाउंड्री यहाँ पे अभी तक नहीं किया गया है। तो हमें लगता है ये जो बाद में आगे जाके ये बाउंड्री इशू भी हो सकता है, जो कि ये एपीएसटी जो मार्केटा के बस स्टेशन है बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यू सब डिवीज़न के जेड पी एम असम तिहाल जी। तो सर से जानेंगे कि सर का यहाँ का आने का विजिट रीज़न क्या है, तो सर से जानेंगे। ये मार्केटा जो अरुणाचल ट्रांसपोर्ट स्टेशन है, ये हम लोग बचपन से हम लोग से जुड़ा हुआ स्टेशन है। तो मैं ऐसे एक बार मेरा मन में आया कि मैं अपना जहाँ पर हमारे सब
चालांग, स्पेशली चालांग डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ में कैसे उनका होता है आना जाना, इनका जो सुविधा कैसे हो रहा है, और हमारे स्टाफ लोग यहाँ में कैसे रहते होंगे, तो इस सोच से मैं यहाँ में थोड़ा घूमने के लिए मैं चला आया था आज के दिन में। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ के जैसे कंडीशन देख के आपको आप क्या अपील करना चाहेंगे? ये ऐसे पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं कुछ बोलने से, पर ये मेरा अपना निजी है कि ये जो स्टेशन है ये इतना पुराना स्टेशन है जो सुंदर से बहुत अच्छी तरह से सुंदरता से रखना चाहिए था। जैसे हमारे आज के युग में जो मॉडर्न एज में जो जैसा होना चाहिए हाइजेनिक, जो क्लीननेस, जो स्वच्छ भारत की बात करते हैं हम लोग, तो उस ढंग से ये स्वच्छता और स्टाफ का जो ये है यहाँ में रहना, स्टाफ क्वार्टर का प्रॉब्लम और घर का जो बुरी दशा हो गई है, और इसके बाद यहाँ में इतने बास है। मैंने पूछताछ किया, मुझे पता चला कि कम से कम यहाँ में 8-9 ट्रांसपोर्ट अरुणाचल स्टेट ट्रांसपोर्ट बस आना जाना मनमाओ से लेकर आपका खुंसा से लेकर यहाँ पर आते हैं। तो ये खुंसा हमारा यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर से आते हैं लोग, और मनमाओ भी हमारे यहाँ कम से कम 80 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, यहाँ मार्केट पर आना जाना सबका होता है। तो इसे ये हमारा स्टेशन, इसको जो मार्केट अरुणाचल स्टेशन है, इनको अच्छी तरह से सुंदरता से रखने से ठीक था। तो इसलिए मैं हमारे जो हॉनरेबल लोग हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बड़े लोग हैं, उनसे मेरा यही अपील है कि आप लोग ध्यान दें तो हमारे जो बस के जो ये पैसेंजर्स हैं उन लोगों को सुविधा होना था, और हमें भी अच्छे लगने से अपने अरुणाचल ट्रांसपोर्ट बस सर्विस पे हमें गर्व होना था। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी चेक किया, यहाँ के जो मार्केटा के बस स्टेशन है एपीएसटी स्टेशन, यहाँ पे हम लोग ग्राउंड रियलिटी चेक किया, यहाँ के जो बाउंड्री को लेके, बाथरूम को लेके, यहाँ पे गैरेज को लेके, वाटर को लेके, बहुत सारा चीज़ में हम लोग ने फोकस किया, और बहुत सारे लोगों से हम लोग मिला, और मेयो सब डिविजन का ZPM सर से भी मिला, वो लोग से बात किया। तो यहाँ के जो कंडीशन है बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हम लोग माना जा सकता है, और यहाँ पे जो कमियाँ है, वेटिंग शीट का कमियाँ, यहाँ पे बाथरूम का कमियाँ, या बहुत ही सारा चीज़ का कमियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम पब्लिक की तरफ से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इसको मेंटेनेंस किया जाए, और यहाँ पे कुछ सुविधा प्रोवाइड किया जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज़ नोंगचालंगजी के साथ।